देखिए, जो वर्तमान में जो सरकार है, बीजेपी सरकार है और ये आरएसएस है, ये भारत को गृह युद्ध की तरफ ले जाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। भारत में से लोकतंत्र खत्म करके हिंदुत्व की राजनीति करके माइनॉरिटीज़ को प्रमुख बना के बहुजन को ये बहुजन के साथ धोखा कर रहे हैं और इसी वजह से त्राही त्राही हो रही है। क्योंकि जब हम आज अपनी मांगे मान रहे हैं, जब आज आप हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार को लगता है कि किस प्रकार इनका दमन किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि 2 अप्रैल की घटना के बाद पूरे यूपी के अंदर और बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर हमारे लोगों को उठाया गया, बंद किया गया, मारपीट की गई और गालियां दी गई। ये सबके सामने इस सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके माध्यम से लाया गया कि जितना अत्याचार, इतना अत्याचार तो आपातकाल में भी नहीं था, इतना अत्याचार तो अंग्रेजों के समय भी नहीं था, जितना अत्याचार इस वक्त हो चुका है। लेकिन आज ये देखा जाता है कि एक सब कहते हैं भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, ये डिजिटल इंडिया है क्या? ये जो विदेशों वाली इंडिया है या ये जो है वर्तमान में भारत की इंडिया है, जो मोदी जी कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कोई भी वो काम होगा और जहाँ प्रोटेस्ट वगैरह होगा, धरने वर्तमान होंगे और ये मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर भाग जाते हैं? देखिए, ना मंदिर की बात कर, ना शिवालयों की बात कर, ना मंदिर की बात कर, ना शिवालयों की बात कर, खाली शिकन मिले हैं, सूखे निवालों की बात कर। उस खेत में काम करने वाले के लिए डिजिटल इंडिया का क्या मतलब, जो आज भी कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है? उस भूखे पेट वाले के लिए जो आज 15 रुपए में अपना जीवन यापन कर रहा है, डिजिटल इंडिया से क्या लेना देना? डिजिटल इंडिया शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास के लिए ही है। डिजिटल इंडिया क्या भारत की उस रूट तक पहुंच पा रहा है जहां रोटी खाने को नहीं है, जहां आज भी बंधुआ मजदूरी है, जहां आज भी देवदासी प्रथा है और जहां आज भी ये लोगों को ओनर किलिंग के नाम पे मार देते हैं? तो क्या आप इसको डिजिटल इंडिया के साथ लग रख सकते हैं? ये सारा का सारा डाइवर्जन जो है डिजिटल इंडिया के नाम पे सिर्फ इस वजह से है कि जो हमारे मुद्दे हैं हम उन मुद्दों की तरफ ना झांक पाएं, हम भूख की बात ना करें, हम गरीबी की बात ना करें, हम रोजगार की बात ना करें, हम जाति की बात ना करें, हम बात करें तो सिर्फ डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया शहरों में रहने वाले उन लोगों के लिए तो फायदेमंद हो सकता है जिन्हें जिनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज है, लेकिन जिनके पास संसाधन और रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए डिजिटल इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। क्या 2019 के अंदर में ये सरकार रिपीट मारेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं मारेगी। अगर ये सरकार रिपीट मारती है तो ये भारत का दुर्भाग्य होगा कि इस भारत में लोकतंत्र खात्मा की तरफ चला जाएगा और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा अगर ये सरकार, क्योंकि जो ईवीएम का जो इनके निशाने हैं, जो खरीद फरोख्त की इनकी राजनीति है, अभी आपने यूपी में देखा होगा कि एक सांसद, एक विधायक को खरीद लिया जाता है जो कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है।